हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम क्रैक मूवी के स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, जैसे क्रैक मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है, क्रैक मूवी क्यों बनाया गया है, क्रैक मूवी के अंदर क्या होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि क्रैक मूवी के ट्रेलर में हमें देखने को मिला था कि जीतेगा तो जिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी की जिंदगी का कोई सवाल है, या फिर कोई गरीबी का सवाल है, या फिर कोई अमीरी का सवाल है, या फिर कोई खतरनाक ही मतलब कोई अलग ही सवाल है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीतेगा तो जिएगा क्या होता है, क्यों हुआ ऐसा, काय के लिए कहा गया, इसके बारे में पूरे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें एंड तक। तो चलिए जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्रैक मूवी के ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारे लोग दिखाई दिए थे, यानी लोग का मतलब जैसे बोलेंगे हमें बहुत सारे एक्टर्स दिखाई दिए थे, यानी टोटल 7 से 8 एक्टर हमें दिखाई दिए थे, जो कि हमने सही से नोटिस नहीं किया। ट्रेलर को सिर्फ देखने में मगन थे हम सब लोग, तो ट्रेलर को सही से नहीं देखा। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है हमें विद्युत जम्वाल देखने को मिलेंगे, नए स्टंट और नए एक्शन करते हुए हमें दिखाई देंगे। और सेकंड नंबर नोरा फतेही, थर्ड नंबर पे अर्जुन रामपाल, और फोर्थ नंबर पे एमी जैक्सन, और फाइव नंबर पे जैकलीन। भाई इस मूवी में मतलब जैकलीन भी आ गई है, मतलब जैकलीन भी काम करेंगी, और फिर मतलब कर रही है इस मूवी में, जैकलीन भी काम कर रही है। और सिक्स नंबर पे अंकित मोहन है, और सेवेंथ नंबर पे आदर्श। 7 लोगों ने टोटल मूवी के अंदर काम किया है और अपना 100% दिया इस मूवी को हिट करने का, ब्लॉकबस्टर करने का। और इस मूवी का जो टोटल बजट होने वाला है 50 से 100 करोड़ के बीच इस मूवी का टोटल बजट होने वाला है। तो अब चलिए मूवी करते हैं कहानी स्टार्ट। अब आ गया है मूवी का छोटा सा एक कहानी है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं मूवी की क्या कहानी होने वाली है, क्या स्टोरी है, किस लिए इस मूवी को बनाया गया है, मूवी का नाम क्रैक क्यों रखा गया है, और जीतेगा तो जिएगा इसका मतलब क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्रैक जीतेगा तो जिएगा फिल्म की कहानी। इस फिल्म की कहानी सूर्या विद्युत जामवाल के इर्द गिर्द की घूमती है, जो मुंबई के एक स्लम एरिया में रहता था। मुंबई का कोई स्लम एरिया है जहाँ विद्युत जामवाल रहता है, यानी उसका नाम विद्युत जामवाल का नाम जो है मूवी के अंदर सूर्या है, वहाँ वो रहता है। और वहाँ पे एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी होता है जो कि बहुत गरीब होता है। सूर्या एक प्रतिभाशाली स्ट्रीट बास्केटबॉल खिलाड़ी है जो कि गरीबी में फंसा हुआ है और अपनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम नहीं है। फिर वह एक हाई स्केट अंडरग्राउंड फाइंडिंग टूर्नामेंट में प्रवेश करता है, जिसके आयोजक जगदीश्वर यानी अर्जुन रामपाल जी हैं। सूर्या को शीर्ष पर पहुंचने और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना है, इसलिए फिल्म की टैगलाइन है जीतेगा तो जिएगा। इस फिल्म में हमें जो है सूर्या यानी विद्युत जामवाल जो है सूर्या के नाम पे रोल करते हुए दिखाई देंगे, और बहुत ही गरीब तरीके से रहेंगे विद्युत जामवाल, और उसमें जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी रह चुके होंगे जो कि वो फिर एक टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, फिर वहां से उनकी जो किस्मत पूरी तरीके से पलट जाएगी। कहानी है, कुछ कहानी इसी तरीके से है। और अभी कहानी है जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या कहानी होने वाला है, मूवी में क्या होने वाला है, एंड तक वॉच करते रहिए। इस फिल्म में हमें विद्युत जामवाल बहुत गरीब फैमिली से दिखाया जाएगा, जो कि मतलब विद्युत जामवाल इस मूवी में बहुत गरीब फैमिली से होंगे, और जो कि एक बास्केटबॉल के प्लेयर होंगे, और वो मतलब बहुत गरीबी में होंगे, उन्हें मतलब रहना होता होगा कि मुझे अमीर होना है, कैसे पैसे कमाने हैं। तो इसी के ऊपर मूवी को बनाया गया, मूवी का नाम क्रैक रख दिया गया है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल है, मतलब बुरी तरीके से पागल है, इसलिए उनकी जो खोपड़ी हो जाती है वो क्रैक हो जाती है, मतलब पागल टाइप में हो जाती है। और फिर इसी चक्कर में इस मूवी का जो टैग जो डाल दिया गया है, जीतेगा तो जिएगा, मूवी का जो पूरा टैग है मतलब क्रैक और फिर उसके बाद जीतेगा तो जिएगा, मतलब क्या ही अलग तरीके का दिया गया है। तो देखते हैं फिर मूवी कैसी होती है, मूवी देख कर पता चलेगा कि मूवी में कैसा है। मूवी पूरी एक्शन के ऊपर होने वाली है, क्योंकि प्लेयर है बास्केटबॉल के प्लेयर है, और तो उसमें एक्शन और एक्टिंग तो करेंगे ही। और